मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन इनकी केस हिस्ट्री की पड़ताल कर रहा है। सिंगरौली में एक परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 2 व्यक्तियों की उम्र 35 वर्ष के लगभग है, बाकी 2 बच्चों की उम्र 15 से 18 वर्ष है। यही सभी लोग उत्तर प्रदेश बलिया जिले से आए हैं। 2 और लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनमें से एक जयंत क्षेत्र का रहने वाला है, अन्य एक व्यक्ति विंध्यनगर क्षेत्र का निवासी है। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री एक आंध्र प्रदेश हैदराबाद बताई जा रही है। दूसरे व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री जिले से बाहर की बताई जा रही है। जिन क्षेत्रों में यह सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। उस क्षेत्र में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो वह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया सेंटर में अपनी जांच कराए और 15 दिन क्वारंटीन रहेगा। कल सिंगरौली जिले में 6 नवीन केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 केसेज एक ही फैमिली के सदस्य हैं। 2 की उम्र लगभग 35 वर्ष के लगभग है और अन्य 2 सदस्य हैं, उनकी उम्र 15 और 18 वर्ष की है। उनको क्वारंटाइन करते हुए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो जयंत का रहने वाला है। जयंत जिस जगह पर वो निवास करता है उसके क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जो अन्य केस है वो विंध्यनगर का रहने वाला है और उसकी उम्र 36 वर्ष है और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री हैदराबाद से बताई जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।